मेरा जो इन्वेंशन है उसका नाम मैंने रखा है वैक ब्रूम। ये जो है बेसिकली वैक्यूम क्लीनर और ब्रूम मतलब झाड़ू, उनका कॉम्बिनेशन है। ज्यादातर हाउस क्लीनिंग ये डेली रूटीन होता है सबके लिए, कोई भी हो तो ज्यादातर लोग उसके लिए ब्रूम यूज करते हैं। झाड़ू से अच्छे से क्लीन होता है, टाइम कम लगता है, वाइल वैक्यूम क्लीनर इज गुड फॉर कलेक्शन ऑफ ट्रैश, बट वैक्यूम क्लीनर लीव्स फाइनर डस्ट बिहाइंड और जो नॉइस क्रिएट होता है वो तो बहुत इरिटेटिंग होता है, इसलिए ज्यादातर लोग वैक्यूम क्लीनर डेली बेसिस पे यूज नहीं करते। दूसरी तरफ देखा जाए तो ब्रूम बहुत ईजी होता है, इफेक्टिव होता है, तो ज्यादातर लोग यूज करते, पर उसमें जो स्वेप डट कलेक्शन होता है और डस्ट पैन में कलेक्ट करना बहुत चैलेंजिंग होता है। बिल्कुल। तो इससे बैठे बैठे मैंने सोचा कि इससे क्या किया जाए कि ये ब्रूम का जो डिसएडवांटेज है उसे और कम किया जाए, तो मैंने सोचा क्यों ना हम वैक्यूम क्लीनर और ब्रूम दोनों की जो अच्छाई आए दोनों को साथ में मिला दिया जाए। तो मैंने एक ऐसी डिवाइस बनाने की सोची, हम एक बैटरी ऑपरेटेड सक्शन डिवाइस हम ब्रूम के हैंडल पे फिट कर देंगे, बाय स्क्रू हम किसी भी ब्रूम पे वो फिट कर सकते हैं, मतलब हमारा ब्रूम टूट भी जाए तो हम दूसरे ब्रूम पे वो फिट कर सकते हैं। आफ्टर ब्रूम एक्शन जो भी स्वेप डल्ट कलेक्ट होगा वो हम ब्रूम को उल्टा करके सक्शन डिवाइस के जरिए वो कलेक्ट कर लेंगे, इससे हमें झुकना भी नहीं पड़ेगा। ज्यादातर 80-90% लोग ब्रूम ही यूज करते और जो बुजुर्ग लोग है वो तो वैक्यूम क्लीनर यूज करना भी नहीं जानते, पर उनके घुटनों में दर्द होने के कारण वो झुक नहीं पाते, तो उनके लिए भी बहुत यूजफुल होगा कि वो सिर्फ उल्टा कर देंगे और सब जो स्वेप डर्ट है वो कलेक्ट हो जाएगा। ये जो आपकी इंजीनियरिंग की मेंटालिटी है ये कहां से आती है? आपने मैं खुद इंजीनियर हूँ। ओह वेरी गुड। आई एम पेट्रोलियम इंजीनियर। ओह वाओ, ओके, वंडरफुल। मुझे ये बहुत अच्छा लगा आपका ये आइडिया, क्योंकि आपने एक बिल्कुल रोजमर्रा की जिंदगी का जो हम लोग सब एक तरह से एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जो लोग नहीं भी कर रहे हैं वो पैंडेमिक में सब दे कर रहे हैं घर में झाड़ू पोछा। मेरा सिर्फ डाउट एक बात पे रहेगा कि ये जो सक्शन पंप लगेगा इससे इसका वेट चेंज होगा, इसको कैसे हम डिप्लॉय करेंगे? एक्चुअली लाइट वेट होगा क्योंकि जो फैन होगा वो लगभग 80 mm का होगा, इतनी सी साइज होगी और उसका वेट भी ज्यादा नहीं होता, और उसका जो सक्शन क्रिएट होगा उससे उसका फ्लोरेट 35 cubic feet per minute हो, जैसे कि अच्छे से सक्शन हो जाए। ये हेवियर आइटम्स के लिए, जैसे कि अगर कांच टूट गया, okay. या अगर वेट आइटम्स हैं जैसे कि फूड पार्टिकल्स, स्लाइट डस्ट के अलावा वो हेवियर पार्टिकल्स को उठा पाएगा, उतना सक्शन कैपेसिटी है? हम उसका मतलब सीरीज में फैन ऐड करके हम हेवी आइटम को उठाने के लिए उतना सक्शन हम क्रिएट कर सकते हैं। एंड वो उसका कलेक्शन बैग कहाँ पे होगा? उसी डिवाइस में? उसी डिवाइस में होगा, एक सक्शन मग होगा, हर एक यूज के बाद उसे हम क्लीन करके फिर से फिट कर देंगे। गॉट इट। इसका यूनिवर्सल एबिलिटी एंड यूनिवर्सल अपील और एप्लीकेबिलिटी मुझे बहुत बढ़िया लगा। कंसर्न यही होगा कि इसका डेली यूज होगा और रेगुलर वेयर एंड टेयर होगा, तो क्या इसमें ड्यूरेबिलिटी के कंसर्न्स हो सकते हैं, स्टेबिलिटी के कंसर्न्स हो सकते हैं? एंड उसके अलावा प्राइसिंग इज ऑल्सो अनदर कंसर्न, कि इसको इफेक्टिव बनाने के लिए कितने मोटर्स यूज करने पड़ेंगे और क्या उस मोटर्स को इस्तेमाल करके क्या इसका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा? सो दीज आर सम ऑफ द कंसर्न्स। मुझे जो लगता है कि लैब फेज में अगर आप पहुंचे तो आपको ये बस देखना पड़ेगा, जैसे वजीर ने पहले बोला था कि काफ़ी टाइम ऐसी चीज़ें होती है कि सिर्फ डस्ट नहीं है, कुछ गीला खाना कुछ ऐसा, तो वो मशीन या मोटर को अंदर जाके ख़राब कर सकता है, तो कैसे लोगों को एजुकेट करेंगे कि किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं? पर एक्सेलेंट वर्क, थैंक यू सो मच फॉर योर इन्वेंशन। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।